connect IMP, that is equals to integration x raised to power m into a plus b into x raised to power n whole raised to power p dx with im minus n comma p plus 1. देखिए यहाँ से im minus 1 comma p plus 1 ये होगा क्या, यहीं से देखें x raised to power, वहाँ पर power m थी तो यहाँ पर m minus n into a plus b into x raised to power n raised to power p plus 1 into dx. देखिए start करें, let p is equals to, देखिए p को क्या मानते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर x की power m और यहाँ पर x की power m minus n है, इनकी जो powers हैं x की, इनमें से जो कम है वो वाली term हम use करेंगे. power कम कौन सी है, x की पावर m माइनस n, इस टर्म में m माइनस n इज लेस देन m है, तो हम ये टर्म कंसिडर करेंगे x रेज टू पावर m माइनस n और उसमें एक ऐड करेंगे. इसके बाद में जो दूसरी टर्म है दैट इज a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n, इसकी पावर्स देखेंगे, इस केस में है p और इस केस में है p प्लस 1, दोनों में लेस कौन सी है, p है, तो आप ये टर्म यूज करोगे और लिखोगे यहाँ पर a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p और उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे. हमारे पास आ गया p इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग p विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर dp अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1, ये एज इट इज रखेंगे x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, इसका डिफरेंशिएशन आएगा p प्लस 1 पावर नीचे आई इंटू a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस 1 और एक पावर माइनस हो जाएगी इंटू जो ये टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा क्योंकि a कॉन्स्टेंट है प्लस b कॉन्स्टेंट है इंटू x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस इसके बाद में a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस 1 ये एज इट इज रुकेगा. इसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 का, तो पहले पावर नीचे आएगी m माइनस n प्लस 1 ये पावर नीचे आई और फिर x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 और उसमें से एक पावर माइनस करेंगे. यहाँ से हमें मिला विच इम्प्लाइज dp अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू, देखिए कॉन्स्टेंट जो टर्म है उनको बाहर रख लें, कॉन्स्टेंट है p प्लस 1 इंटू यहाँ से देखें तो b इंटू n कॉन्स्टेंट है इसको हमने बाहर रख लिया. उसके बाद में यहाँ पर है x रेज टू पावर m माइनस n प्लस 1 इंटू यहाँ पर है x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू में a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली p बचेगा प्लस यहाँ पर पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स को लिखें तो कॉन्स्टेंट टर्म है m माइनस n प्लस 1 इंटू a प्लस b इंटू x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस 1 इंटू x रेज टू पावर m माइनस n यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देखिए इसके बाद में क्या करना है, ये जो हमारे पास टर्म आई इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिलेगा विच इम्प्लाइज डी पी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 इंटू बी इंटू एन इंटू एक्स रेज टू पावर. देखिए यहाँ पर एक्स रेज टू पावर समथिंग और एक्स रेज टू पावर कुछ है तो यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, पावर्स को ऐड करें एम माइनस एन प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी प्लस एम माइनस एन प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन विच इम्प्लाइज डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज लिख लें एन इंटू बी इंटू पी प्लस 1 सीक्वेंस चेंज करिए बस हमने इनकी. इसके बाद में यहाँ पर माइनस एन और यहाँ पर प्लस 1 प्लस एन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर बचेगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी प्लस
m minus n plus 1 into a plus b into x raised to power n whole raised to power p plus 1 into में x raised to power m minus n। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है x raised to power m into a plus b into x raised to power n whole raised to power p, वो यही टर्म है। अगर इसके सामने इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, IMP। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो टर्म है वो है x raised to power m minus n multiplied by a plus b into x raised to power n whole raised to power p plus 1, वो कुछ इसी टाइप की टर्म है। अगर इसके सामने इंटीग्रेशन का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, आई एम माइनस एन कोमा पी प्लस वन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर मिलेगा पी विच इज इक्वल्स टू, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है, एन इंटू बी इंटू पी प्लस वन, ये तो कॉन्स्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पर है एक्स रेज टू पावर एम इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एम माइनस एन प्लस वन। फिर इंटीग्रेशन का साइन एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी प्लस वन इंटू डी एक्स, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू एन इंटू बी इंटू पी प्लस वन इंटू, देखिए इंटीग्रेशन x रेज टू पावर m इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p dx। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं i m कोमा p प्लस m माइनस n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको आप लिख सकते हैं i m माइनस n कोमा p प्लस वन, विच इम्प्लाइज जो p की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर पुट करें। देखिए p की वैल्यू थी x रेज टू पावर m माइनस एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू n इंटू बी इंटू पी प्लस वन इंटू आई एम कोमा पी प्लस m माइनस एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई आई एम माइनस एन कोमा पी प्लस वन। हमें रिलेशन देखना था आई एम पी और आई एम माइनस एन कोमा पी प्लस वन में, आई एम पी वाली जो टर्म है उसको एक तरफ रखें और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ से हमें मिलेगा विच इम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर पी प्लस वन। देखिए इस टर्म को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा इसका, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर मिलेगा माइनस m माइनस एन प्लस वन इंटू आई एम माइनस एन कोमा पी प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू एन इंटू बी इंटू पी प्लस वन इंटू आई एम कोमा पी, विच इम्प्लाइज आई एम कोमा पी दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए इस टर्म को हम यहाँ पहले लिख रहे हैं इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है इस साइड को, इस दोनों टर्म्स को हमने क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड करना है। तो हमें मिलेगा x रेज टू पावर m माइनस एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस वन डिवाइडेड बाई n इंटू बी इंटू पी प्लस वन माइनस m माइनस एन प्लस वन इंटू आई एम माइनस एन कोमा पी प्लस वन डिवाइडेड बाई n इंटू बी इंटू पी प्लस वन, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। वी से दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला।